स्टूडेंट्स हम लोग मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर 9 उसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर 9 बेसिकली फंडामेंटल ऑफ ड्राइंग, ठीक है। इसे हम लोग देखेंगे, इसकी कुछ एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं तो जरा हम लोग डिस्कस कर लें ताकि वो आगे जब एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करें तो उसको सॉल्व करने के लिए उसमें हमें आसानी होगी, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन द रेडियन एंड द डिग्री मेजरमेंट। क्या है हमारे पास रिलेशन बिटवीन द रेडियन एंड डिग्री मेजरमेंट, ठीक है। तो जब भी हम लोग रेडियंस की बात करेंगे तो हम लोग पाई को डिस्कस करेंगे, और जब भी डिग्री की बात आएगी तो इनफैक्ट पाई भी एंगल है लेकिन जब डिग्री की बात आएगी हमारे पास तो जब जैसे कोई एंगल लिया जाता है जैसे 30 है 30 एंगल या 60 एंगल या बट एवर कोई भी एंगल जो है तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रेडियन और डिग्री मेजरमेंट का जो आपस में रिलेशन है वो बेसिकली क्या बनेगा, पाई इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री, ठीक है। पाई इक्वल टू 180 डिग्री होगा, और जब भी हम लोग पाई की बात करेंगे तो पाई का जो एंगल है वो रेडियन में होता है इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। और यहीं से अगर हम लोग इसको यूज करते हुए 1 रेडियन निकालें तो 1 रेडियन हमारे पास क्या बनेगा, ये देखिए अगर हम इस पाई को यहां से मूव कर दें तो वापस यहां पे इस पाई की जगह भी क्या रह जाएगा 1। वी नो दैट कि जब भी कोई नंबर हो वो 1 का मल्टीपल होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग उस 1 को नहीं लेते, ठीक है। अगर हम बात करें 5 तो 5 का मल्टीपल ऑफ 1 यानी 1 से जो है मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह कोई भी नंबर है जैसे 4 का 6 है तो वो मल्टीप्लाई बाय 1 होता है, ठीक है। तो 6 जैसे ही हम लोग इस पाई को यहां से मूव करेंगे तो डेफिनेटली यहां पे 1 होगा, ठीक है। तो इस पाई को आप इस तरफ मूव करके लाए तो ये 1 रेडियन इक्वल टू 180, देखिए यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है और जब इसको राइट साइड पे लेके आएंगे तो यहां पे आगे डिवाइड हो जाएगा एंड डिग्री ऑलरेडी है तो उस डिग्री को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, यानी 1 रेडियन इक्वल टू 180 ओवर पाई, 180 ओवर पाई डिग्री, ठीक है। अगर हम कैलकुलेटर से 180 ओवर पाई यूज करें तो ये हमारे पास कैलकुलेशन बनती है 57.3 डिग्री, ठीक हो गया। जिस तरह हम लोगों ने 1 रेडियन लिया है इसी तरह हम लोग 1 डिग्री भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री बेसिकली हमारे पास क्या होगा, अगर इसको हम लोग 1 रीअरेंज करके लिखें 180 ओवर पाई इक्वल्स टू 1 रेडियन, इसी लाइन को ये जो स्टेप था हमारा हम इसे दोबारा लिख रहे हैं लेकिन उसकी जो जो शिफ्ट करते हैं यानी 180 को लेफ्ट पे ले आए और 1 रेडियन को राइट पे ले आए, ठीक है। वी नो 180 डिग्री, ये देखिए ये पाए जो है यहां पे डिवाइड हो रहा है, अगर हम इसको राइट साइड पे लेके जाए तो ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसको आप राइट साइड पे लेके आए जब यहां पे लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1 into π रेडियन, या पाए को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाए रेडियन ही बनेगा,
ठीक है। और इसी तरह अगर हम इस 180 को राइट साइड पे लेके आए, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो जब 180 को हटाएंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 1, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाए ओवर 180 डिग्री, ये हमारे पास बनेगा, ठीक है। अगर हम ये दो रिलेशन हैं, ये वाला और ये वाला, अगर हम इनको गौर से देखें तो डिग्री और रेडियन का, यानी 1 डिग्री और 1 रेडियन का जो रिलेशन बनता है वो एक दूसरे के उल्टा बनता है, यानी 1 रेडियन इक्वल टू 180 ओवर पाए डिग्री, और इसी तरह 1 डिग्री की अगर हम लोग बात करें विच इज इक्वल टू पाए ओवर 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रेडियन का और डिग्री का रिलेशन बनेगा, ठीक है। और इसी रिलेशन को अगर डिस्कस किया जाए, रिलेशन दो रिलेशन बनते हैं हमारे, ये 1 रिलेशन हो गया और ये रिलेशन 2 हो गया, रिलेशन बिटवीन द आर्क लेंथ, रेडियस एंड सेंट्रल एंगल, रेडियस एंड सेंट्रल एंगल, ठीक है। हमारे पास अगर कोई सर्कल हो, ठीक है, और उस सर्कल में अगर हम लोग कोई आर्क लेंथ लें, ठीक है, अलोंग विद द रेडियस लेंथ, ठीक है, एंड अलोंग विद द एंगल, जो आर्क लेंथ है, इस आर्क लेंथ को हम लोग एस से लिखते हैं, और ये हमारा क्या बनेगा, रेडियस, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास बनेगा S over 2πr, 2πr basically हमारा जो एक सर्कुलर एरिया है, विच इज इक्वल टू, ये बनता है थीटा ओवर 2πr, थीटा इज एन एंगल, ठीक है। तो ये देखें, ये पाए और पाए आपस में कट गया, तो S over r विच इज इक्वल टू थीटा, या S इक्वल टू आर थीटा, ये बेसिकली हमारा रिलेशन बिटवीन द लेंथ रेडियस एंड सेंट्रल एंगल, या यू कैन से रिलेशन ऑफ लेंथ रेडियस एंड सेंट्रल एंगल, ठीक है स्टूडेंट्स। होपफुली आपको ये कुछ बुनियादी चीजें थी, कुछ बेसिक चीजें थी, आपको उनकी समझ आए होगी। नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एंड नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक हो गया।